हनुमान जी के मालिक चिंता नहीं कीजिए, आपका जब ये आशीर्वाद है, आपकी जब कृपा है तो 36 दिन नहीं 36 मिनट में हम आप डाउन कर लेंगे। प्रेम से बोलिए रंगोली की जय। कहा तो जाओ हनुमान, कहा जा रहा हूं? सुखैन वैद्य से हनुमान जी कहे कि मैं द्रोणागिरी पर्वत पर जा रहा हूँ, संजीवन बूटी का रूप रंग बता दीजिए। सुखैन वैद्य कहा सुबह हो या शाम हो हवा जो रोशे बहती होगी, और रात हो या दिन हो दीपक वहां जलती हो, रात हो समझ जाना यही संजीवन बूटी है। हनुमान जी चलती है और आकाश मार्ग से उड़ते चले जा रहे हैं, इधर से हनुमान जी उड़ते चले जा रहे हैं और उधर से 88 चक्कावल रथ लेकर के सुदूर देवता उदय चल के उड़ चले आ रहे हैं। रावण जाकर के सुदूर से कहा कि जल्दी उदय चल के उड़ जाओ। सूर्य देवता कहा कि अभी तो तुरंत हम अस्ताचल के ओर आए हैं तो फिर भेज रहे हैं। कहा कि जल्दी जाओ, कहा समय पूरा होगा तो जाएंगे, कहा नहीं अगर समय से जाओगे तो उससे पहले बंद गृह में डाल दूंगा। रावण के डर से सूर्य देवता भी चला जा रहा है, इधर से हनुमान जी उधर से सूर्य देव। जेकर राम ना बिगड़ी वो कर लो की का बिगाड़ी, वो कर लो जरा।
सूर्य देवता रुक गए, कहां जा रहे हैं, कहां उदय चल के और जा रहा हूं। कह गए सूर्य देव, हे सूर्य देव है ध्यान नहीं, संकट सूरज वंश पे है, लंका निशर के द्वारा आघात तुम्हारे अंश पे है, तुम्हारे दल के रहने वाला भगवान राम के छोटे भाई लखनलाल जी को शक्ति लग गई। अब उदय चल के और जाएंगे तो लखनलाल जी मर जाएंगे। अब समय से जाइएगा, अभी नहीं, समय से। कहा जी अब समय से जाइए, भगवान के भाई को शक्ति लग गई है। सूर्यदेव ने कहा, मैं टमाटोल नहीं सुनता, मैं उदय चल के और जाऊंगा, आज्ञा है लंकेश्वर की वरना बंदी बन जाऊंगा। लंकेश्वर का आज्ञा है, बंदी बन जाऊंगा, मुझे छोड़ दीजिए। हनुमान जी कहते कि बंदी बनने के लिए तुम रावण का बात मान लिया, अगर मेरे बात को नहीं मानेगे तो क्या मैं तुझे छोड़ दूंगा। गुस्सा के मारे हनुमान जी सूर्यदेव को कांख के तले डाल दिए, कहा अभी इसी में तुम रहो, जा रहे हैं। और तब तक मैं रावण कालमेली के पास पहुंचा, कहा कालमेली, कालमी जो रावण को देखा अर्धरात्रि में, कहा भाई अभिदाता रावण, कहा कालमी, कालमी कहा क्या बात है, कहा जल्दी बाहर आई। कालमी बाहर आ गया, कहा राम का दूत हनुमान अभी द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवन बूटी लाने जा रहा है, आधा घंटा भी यदि उसका रास्ता रोक लिया तो लंका का जितना जमीन है सब में बराबर हिस्सा मिलेगा तुझे। कहा कौन हनुमान, कहा अंजनी का बेटा, कहा तब नहीं जाएंगे, कहा क्यों। कालमी कहा कि एक बार विष्णु जी जग कर रहे थे तो उस जग में संजय जी के माता जी के ओर से 50 रुपया का दान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, भगवान इनके जीवन में सुख और शांति का दान देते रहे। देखिए एक भजन है, नहिरा के कमैया आगे बहिना के नहीं तहु कमल होनी जा, नहिरा मतलब नहीं रहना, ससुराल मतलब समझी रहना, नहीं रखे कमैया। कबीरदास जी का भजन है, अगे बहिना के नहीं कहूं गाँव में ढूंढनी जा, अरे जान अरे जान छूछे नहीं चिंता गुण ससुर ससुर हरि हो रे।
हनुमान जी के नाम सुनते एक बार विष्णु जी जंजर रहे थे, उसमें हम सब राक्षस को लेकर के जग भ्रष्ट करने गए थे। जग जब शुरू हुआ तो हम सब राक्षस मिलकर के उपद्रव शुरू किया। हम संयोग से हनुमान जी के बगल में चले गए। एक माता जी को और सिदान आया है और जैसे हनुमान जी के बगल में गए तो हनुमान जी टंगरी पकड़ कर फेंके थे तो हम सात कोस में जाकर गिरे थे और वो हनुमान जी बोल दिए थे कि दोबारा देखेंगे तो जान से मार देंगे, इसलिए सरकार हमको राज नहीं चाहिए। रावण निकाला तलवार, तलवार निकाल करके जो ही कालनेमी को मारना चाहा, कालनेमी कहा तो हम चल रहे हैं। एक माता जी के ओर सिदान आया है, चरणों में बार बार प्रणाम। हनुमान जी सोचे, कालनेमी सोचा तो हनुमान से हाथ से मरेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, इस पापी के हाथ से मरेंगे तो नरक जाना होगा। कालनेमी क्या 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 नकली साधु का वेश बना लिया, रामरामा चादर सुवर्णी माला चुट्टा कमंडल बराबर दाढ़ी और एक पोखर के बहार पर कुटिया बना करके आवाज लगा रहा है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी जा रहे थे, आवाज पड़ी जब कानों में, 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 उतर गए राम नाम का आवाज। जब हनुमान जी के कान में पहुंचा तो हनुमान जी सोचे कि लंका निश्चल निकट की बासा, यहां कहां संतन के बासा। लंका में तो एक भगवान का भक्त विभीषण था जो रामादल में मौजूद है, दूसरा कौन है जो भगवान का नाम ले रहा है। हनुमान जी सोचे खैर कोई भी हो, गा तो रहा है मेरे प्रभु का नाम। बड़े प्रसन्न हो गए हनुमान जी। हनुमान जी नीचे चले गए, कालनेमी को महात्मा समझ करके कहा बाबा प्रणाम। कालनेमी सोचा कहीं आशीर्वाद देने में लेट करेंगे तो मारो लग जाएगा। कहा खुश रहो हनुमान, मैं जान रहा हूं तुम कहां जा रहे हो, लक्ष्मण को सबसे मान लग गई है, द्रोणागिरी पर्वत पर सुदर्शन मूर्ति लाने जा रहे हो, है ना हनुमान। हनुमान जी कहे बाबा अब तो सारे बातें को जान रहे हैं, का जान ही नहीं रहा हूं, अगर मैं चालूंगा ना तो संजीवन मुठी इसी क्षण दे सकता हूं। हाथे पर रगाड़ था, ऐसे किया पूरे द्रोणागिरी पर्वत का चित्र हाथ पर आ गया। का हनुमान ये जो दीपक जल रही है यही संजीवन मुठी है। हनुमान जी कहे तो दे दीजिए ना, मैं यहां से चला जाऊंगा। कालनेमी कहा ऐसे नहीं दूंगा। कहा तब कहा बगल में तालाब है, तालाब वाला पानी में हाथ पांव धो लो, अब पवित्र होकर के मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे दे दूंगा, तुम चला जा। हनुमान जी उसे पोखर वाला पानी में पवित्र होने के लिए हाथ पांव धोने के उद्देश्य से चले गए और उस तालाब में एक मकड़ी नाम का बोझ रहती थी। उस बोझ के डर से रावण भी उस तालाब में कभी कदम नहीं रखता था। जैसे हनुमान जी तालाब वाला पानी में कदम रखे, पानी के सतह नीचे में जो मकड़ी बैठी थी उसका बदन हिल गया। मकड़ी सोची कि कौन पहलवान है जो मेरे बदन को हिला दिया, इस मर्द लोक में तो एक पहलवान मैं जानती थी कि हनुमान है, दूसरा कौन है जरा चलकर देखो। जैसे मकड़ी ऊपर आती है तो साक्षात हनुमान जी पर नजर पड़ गया। बोलिए रंगवली की जय। अब मकड़ी कहती हनुमान मेरे घर में आया हुआ मेहमान कभी लौट करके वापस नहीं जाता है, आज मैं तुझे मार दूंगी। हाथ पांव धोने के उद्देश्य हनुमान जी हाथ पांव को धो रहे हैं और धोने के
उपरांत मकरी नीचे से हनुमान जी के पांव को पकड़ लिया। हनुमान जी सोचे मेरा पांव भारी क्यों हो गया। अब मकरी नीचे खींचती है, हनुमान जी ऊपर खींचते हैं, दोनों में खिंचातानी शुरू हो गया। अब काल ने भी अपने भाग्य के तमाशा को देख रहे हैं। देखिए भैया, नीचे ऊपर होते होते एक बार हनुमान जी कस के लात मारते, कस के लात मारे मकरी मर गई। हनुमान जी को देर क्यों हुआ, मकरी को मार दिए। और मकरी जब मर गई तो सुंदर एक अप्सरा के रूप में हनुमान जी के बगल में खड़े हो गए। हनुमान जी सुंदर की स्त्री को देख के मुख को घुमा लिए, बाल ब्रह्मचारी थे। हनुमान जी पूछे तुम कौन हो। कहा भगवान हनुमान जी मैं नारद जी के श्राप से मकरी भोज में जन्म लिया था। और हनुमान जी नारद जी बोले थे कि किसी भगवान के भक्त द्वारा तुम्हारा मृत्यु होगा तो तुम उद्धार पा लोगी और फिर मानव बन जाओगी, तो तुम्हारे द्वारा मर करके मेरा तो वो योनि चला गया, अब मैं मनुष्य योनि में आ गई हूँ। लेकिन आप जिस दाढ़ी वाला महात्मा पर विश्वास करते हैं वो बाबा थोड़े हैं। हनुमान जी कहते हैं तो बूटी नहीं देगा क्या। कहा कि जी ना, कहा तो वो कौन है। कहा वो काल नेमी है, काल नेमी आपका समय बर्बाद कर रहा है। हनुमान जी कहते बारे काल नेमी उस पर मैं तो विश्वास किया पर वह पापी ने दगा दिया। मजा चखा दूंगा जग जो चका बाज ने जगा दूंगा करके जो जगाबाज ने दगा दिया।